बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है दोस्तों। बहुत जल्द श्रावण मास की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सोमवार के व्रत में, श्रावण के व्रत में आप कब और किस तरह का भोजन लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारे पुराणों और शास्त्रों में सोमवार के व्रत तीन तरह के होते हैं, सावन सोमवार, 16 सोमवार और सोम प्रदोष। सोमवार व्रत की विधि सभी व्रतों में समान होती है। इस व्रत को श्रावण माह में आरंभ करना शुभ माना जाता है। श्रावण सोमवार के व्रत में भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा की जाती है। श्रावण सोमवार व्रत सूर्योदय से प्रारंभ होकर तीसरे पहर तक किया जाता है। शिव पूजा के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी जरूरी होती है। व्रत करने वाले को दिन में एक बार भोजन करना चाहिए, वो भी सूर्यास्त के बाद। इस व्रत में खाने को लेकर सावधानी बरतना बेहद ज़रूरी है। आमतौर पर लोग सूर्यास्त के बाद सिर्फ शाम को ही भोजन करते हैं, लेकिन कई सारे लोग जो व्रती होते हैं वो दिन में कई बार फल और फलों के जूस का सेवन करते हैं ताकि शरीर में ऊर्जा बनी रहे। व्रत के दौरान 500 से 750 मिलीलीटर दूध या दही और 30 से 50 ग्राम पनीर या चना ज़रूर ग्रहण करना चाहिए। आप चाहें तो मूंगफली मखाना भी ले सकते हैं। इसके अलावा दिन भर में 7-8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। इसके अलावा स्वास्थ्यवर्धक सिंघाड़ा, चटपटा फलाहारी उपमा, साबूदाने की खीर या फिर चटपटी भुजिया सेव का सेवन भी व्रत के दौरान आप कर सकते हैं। तो ये थी ज़रूरी जानकारी व्रत से जुड़ी हुई। इसी जानकारी के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।